हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि रॉ में तो जिंदर महल काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के, लेकिन वो बन नहीं पाए। बट क्या अब उनका साथ देने वाले स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस, जिनके पंगे रोमन रेंस के साथ चल रहे, तो क्या कुछ बड़ा हो चुका है रॉ के बाद, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूं बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से जुड़ी अपडेट के बारे में। इसके अलावा रोमन रेंस से रिलेटेड क्या कुछ बैड न्यूज निकल कर आई है। तो गाइज, सबसे पहले हम उसी बैड न्यूज के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सबको पता ही, 2023 में हमें रोमन रेंस कई सारे पेपर व्यूज मिस करते हुए दिखे थे, बट इस ईयर या फिर आप कह सकते हो दिसंबर से हमें रोमन रेंस काफी ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। यानी कि वो एक स्मैकडाउन मिस करते हैं, फिर वो आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी अपडेट निकल कर आई है जिसे देखकर यही लग रहा है कि रोमन रेंस का हाल 2023 जैसा ही होने वाला है। बिकॉज गाइज, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेल्जर ने यह कहा है कि रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैंबर के लिए नहीं किया जा रहा है एडवर्टाइज, रेसलमेनिया के बाद जो बैकलैश का पेपर व्यू होने वाला है पेरिस में उसके लिए नहीं किया जा रहा है एडवर्टाइज। और उनके अकॉर्डिंग रोमन रेंस का जो स्केड्यूल रहने वाला है वो ऐसा रहने वाला है कि अभी वो हमें रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे, फिर वो सीधा हमें देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया में, फिर सऊदी के इवेंट में, एंड फिर सीधा समर स्लैम में। तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल हमें कई सारे इंटरनेशनल इवेंट देखने को मिलने वाले, तो रोमन रेंस उसका पार्ट रहने वाले। लेकिन इस अपडेट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट हाँ, अगर टिकट पूरी तरह से सोल्ड आउट नहीं होती है, देन रोमन रेंस को डेफिनेटली से WWE ले जाने वाली है इंटरनेशनल इवेंट में। लेकिन WWE को ऐसा लगता है कि वो रोमन रेंस के बिना ही सारे टिकट्स कर देगी सोल्ड आउट। वैसे आपका रोमन रेंस के इस स्केड्यूल पर क्या कुछ रिएक्शन है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से रिलेटेड अपडेट काफी महीनों पहले निकल कर आई थी कि वो हमें रॉयल रंबल के आसपास देखने को मिलने वाले, लेकिन रिसेंट में उनसे रिलेटेड कुछ भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही थी। बट गाइस, फाइनली एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से रिलेटेड, और ये अपडेट रॉ से बिल्कुल पहले आई थी। और इस अपडेट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर काफी जल्द टेलीविजन पर वापस आने वाले और उनका रिटर्न काफी जल्द होने वाला है। अब यहाँ पर सुन नहीं बल्कि वेरी सुन वर्ड का यूज किया गया, यानी कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत ही ज्यादा नजदीक है। एक दो हफ्ते के अंदर ही वो हमें वापस आते हुए दिखने वाले, और आप सबको पता ही है ज्यादा चांसेस तो यही है कि वो हमें देखने को मिलने वाले हैं रॉयल रंबल में। वैसे भी इस वीक के रॉ में गुंथर ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है 30 मैन्स रॉयल रंबल मैच के लिए, और एक्सपेक्टेड ही है रेसलमेनिया 40 में हमें गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलने वाला है। तो मे भी हो सकता है ब्रॉक लेसनर हमें गुंथर को एलिमिनेट करते हुए दिखे, या फिर गुंथर ही एलिमिनेट करते हुए दिखे ब्रॉक लेसनर को। और अगर रॉयल रंबल वो जगह नहीं होती है, तो मे भी हो सकता है कि वो जगह नेक्स्ट वीक का रॉ ही हो, यानी कि ज्यादा चांसेस उनके रॉयल रंबल में ही आने के रहेंगे। वैसे आपके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर गुंथर को एलिमिनेट करने वाले या फिर गुंथर एलिमिनेट करेंगे ब्रॉक लेसनर को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रॉ के बाद क्या कुछ हो चुका है बड़ा, एंड निक एल्डिस किस तरह से आ चुके हैं सपोर्ट में जिंदर महल के। सो गाइस, जैसा कि इस वीक के रॉ में हमें जिंदर महल वर्सेस सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला था, जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और इस मैच के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जिंदर महल के साथ हमें वीर महान एंड सांगा भी देखने को मिलते हैं। वहीं मैच के दौरान हमें डैमियन प्रीस्ट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो कैश इन नहीं कर पाते क्योंकि उन पर आकर हमें ड्रू मैकएंटायर करते हुए दिखते हैं अटैक, और उन्हें लेकर चले जाते हैं बैक स्टेज। बट गाइज, इस मैच में हमें इंदर सेर की काफी ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिली। एक मोमेंट तो ऐसा आया जहां पर वीर महान ने ब्रीफकेस के थ्रू सेथ रॉलिंस पर कर दिया अटैक, और फिर जिंदर महल ने लगा दिया खलास सेथ रॉलिंस पर, और सभी को लगा अब टाइटल चेंज होने वाला है। लेकिन सेथ रॉलिंस कर देते हैं किकआउट, फिर हमें रेफरी बैक स्टेज भेजते हुए दिखता है वीर महान एंड सांगा को। उसके बाद क्या ही होना था, हमें सेथ रॉलिंस स्टंप लगाते हुए दिखते हैं जिंदर महल पर, और उन्हें पिन कर जीत जाते हैं इस मैच को। यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी टाइटल चेंज देखने को नहीं मिला। और रॉ के बाद यानी कि मैच हारने के बाद जिंदर महल का हमें रिएक्शन भी आते हुए दिखता है, जहां पर वो उस अपडेट का एक तरह से मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं जो कि निकल कर आई थी कि रॉ में हमें एक्स्ट्रा पायरो देखने को मिलने वाला, जिससे सभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिंदर महल हमें बनते हुए दिख सकते हैं न्यू चैंपियन, उसके बाद उनका सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगा। बट ऐसा तो हुआ नहीं, और इसी पर जिंदर महल रिएक्ट करते हुए कहते हैं वेल्प सो मच फॉर सेंडिंग दैट एक्स्ट्रा पायरो फॉर माय पंजाबी सेलिब्रेशन। बट गाइस, सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल के मैच से पहले हमें निक एल्डिस एक काफी बड़ा ट्वीट करते हुए दिखते हैं, जहां पर वो ये थिंग कहते हैं बेस्ट ऑफ लक जिंदर महल, आज के मैच के लिए मैं सहमत हूँ इस बात से कि तुम्हें हमेशा से ओवरलुक किया गया, लेकिन हाँ, रिसेंटली हमें मैनेजमेंट में शेकअप देखने को मिलने वाला है, और स्मैकडाउन में आकर तुम्हें पता चल सकता है कि ये है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी कन्वर्सेशन के लिए ओपन हूँ। यानी कि गाइस, निक एल्डिस ने कहा है कि हमें काफी जल्द सुपरस्टार शेकअप देखने को मिलने वाला है WWE में, और वो जिंदर महल को लाना चाहते हैं स्मैकडाउन में।
और गाइज निक एल्डिस ने जब रॉ की स्टोरी लाइन में अपनी इंटरफेरेंस की है तो डेफिनेटली से इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा रीजन है। और जो दो बड़े रीजन देखकर लग रहे, पहला तो ये है कि WWE यहां से अनाउंस करना चाहती थी कि हमें सुपरस्टार शेकअप देखने को मिलने वाला है काफी जल्द, और सेकंड ये है कि WWE रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के बीच कर रही है कुछ ना कुछ प्लान। अब आप सभी को पता ही है रोमन रेंस के पंगे तो निक एल्डिस के साथ चल ही रहे, और स्मैकडाउन में हमें शील्ड वर्म का भी यूज होते हुए दिखा, तो WWE कुछ ना कुछ तो हमें हिंट करना चाह रही है शील्ड से रिलेटेड। और डीन एम्ब्रोस तो अभी WWE में नहीं है, यानी कि जो भी होगा वो हमें रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के अराउंड ही होता हुआ दिखेगा। और निक एल्डिस अगर सेथ रॉलिंस से भी पंगे लेते हैं तो मे भी हो सकता है हमें रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस सेम पेज पर भी आते हुए दिख जाए। बट हाँ, देखकर सही लग रहा है भले जिंदर मल हार गए हो लेकिन अभी भी उनकी हाइप कम नहीं हुई है, यानी कि वो हमें टेलीविजन पर अभी रेगुलर देखने को मिलने वाले हैं। और निक एल्डिस अगर उन्हें स्मैकडाउन में ले लेते हैं तो क्या ही पता वो हमें रोमन रेंस को भी चैलेंज करते हुए दिख जाए अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना कि आपके अकॉर्डिंग जिंदर मल को कौन से ब्रांड पर रहना चाहिए, स्मैकडाउन या फिर रॉ। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।